मैग्नेट, पर मैग्नेट इस तरफ मैं क्या लिखता हूँ पर मैग्नेट, और इधर क्या लिखता हूँ मैग्नेट। देखिए पर मैग्नेट का फार्मूला क्या होगा कि MnO4, सही है, सही है। और इधर क्या लिखता हूँ मैं मैग्नेट K2MnO4, ये बात है। अब देखिए KMnO4 और K2MnO4 अगर बात करें पर मैग्नेट का, तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई MnO4-1, इसको क्या लिख सकते हैं MnO4-2। देखिए पर मैग्नेट, पर का मतलब एक निगेटिव चार्ज, पर मैग्नेट का मतलब एक निगेटिव चार्ज और मैग्नेट का मतलब दो निगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कंसीडर करें तो x मानेंगे मैंगनीज का, x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू प्लस का 7। अगर बात करें इधर इसकी तो x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू प्लस का 6। अगर मैं दोनों की बात करें भाई, स्ट्रक्चर इसका बनाऊं मैंगनेट का, अपर मैंगनेट का और मैग्नेट का, तो मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर। देखिए मैंगनीज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिसकी बाय कोर्स में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना मैक्सिमम बॉन्डिंग बना सकता है। देखिए भाई मैंगनीज के बाय कोर्स में कितना है भाई 7, कैसे पता चला, फिंगर पे पांचवें स्थान पे आया, दो जोड़ा तो क्या हो गया 7 हो गया, तो 7 हो गया तो कितना बॉन्ड बना सकता है 7, ये हो गया पर मैग्नेट। इसे क्या बोलोगे पर मैग्नेट। और मैग्नेट की का स्ट्रक्चर बताएं तो MN डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, दो दो चार पांच एक छह निगेटिव चार्ज दो, इसे क्या बोला जाता है मैग्नेट। अब देखिए याद करना है, पूछेगा बहुत सा क्वेश्चन तो इसके कलर से ही हो जाता है। पर का मतलब पी है इसमें, तो इसका अगर कोई कलर पूछे तो क्या बोलोगे भाई पी से क्या होगा पर्पल कलर, पर्पल कलर। और उस मैंगनेट में क्या होगा, मैंगनेट में क्या होगा भाई ग्रीन कलर, मैंगनेट में क्या होगा ग्रीन कलर, कैसा होता दिखता है भाई ग्रीन कलर, कैसा होता है ग्रीन कलर। सारी बातें एक एक बातों को ध्यान से पढ़ना है भाई, हर एक बात को सीखना है। पर्पल ग्रीन कलर सही है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसमें भी होगा D3S और इसमें भी क्या होगा D3S, दोनों में D3S, दोनों में क्या होगा D3S दोनों में। अगर कोई पूछे कि इन द पर मैग्नेट The d orbital of the manganese is involved in the hybridization, तो कितने d orbital होंगे 3। अगर पूछेगा कि मैंगनीज जो है पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, देखिए भाई इसके बायकोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 के 7 ये अपना लूज कर चुका है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा भाई डायमैग्नेटिक, क्या है भाई डायमैग्नेटिक। और जबकि ये क्या होगा भाई एक है बाइक उसमें साथ रहता है, एक जो है कि अभी इसके पास बचा हुआ है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा भाई पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। अब देखिए उसमें जो है कि आप बात कर रहे थे क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का, डाइक्रोमेट कैसा किस कलर का था भाई ऑरेंज कलर का, डाई जिसमें दो है उसमें दो अक्षर वाला नहीं आएगा, मतलब उसका कैसा ऑरेंज, और क्रोमेट का कैसा था येलो, इसमें क्या है पर मैग्नेट का पर्पल कलर और मैग्नेट का क्या है ग्रीन कलर, ये सब बार बार आता है भाई एग्जाम में। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसमें क्या था पाइरोलुसाइट, और इसमें क्या है भाई नहीं उसमें क्या था भाई क्रोमाइट, और इसमें क्या है भाई देखिए देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी एक ट्रिक बताता हूं यहीं पे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और की अगर बात करें तो देखिए पहला तीन और हैं इसके इम्पॉर्टेंट, देखिए तीन और हैं। देखिए जितना आपका मैंगनीज होगा, तीनों ओर में बस एक ही बात याद करिएगा, जितना आपका मैंगनीज होगा ऑक्सीजन एक ज्यादा होगा। तो यम मैंगनीज एक तो ऑक्सीजन कितना भाई, मैंगनीज एक तो ऑक्सीजन कितना दो, मैंगनीज दो तो ऑक्सीजन कितना एक ज्यादा होगा थ्री, मैंगनीज दो तो ऑक्सीजन कितना थ्री, मैंगनीज थ्री ऑक्सीजन कितना फोर। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ए को क्या बोलेंगे पाइरोलुसाइट, इसको क्या बोला जाएगा पाइरोलुसाइट। अब देखिए दो दो है तो देखिए दो है तो अल्फाबेट में दूसरा अक्षर कौन सा आता है भाई ए बी बी, तो इसको क्या बोलेंगे ब्राउनेनाइट, ब्राउनेट बी आर ए यू ब्राउनेनाइट बी आर ए यू एन आई टी ई ब्राउनाइट ब्राउनाइट। और तीन है इसे क्या बोला जाता है हाउस एच ए यू एस हाउस में नाइट, हाउस में नाइट इसे क्या बोला जाता है हाउस में नाइट। देखिए अभी क्वेश्चन इस पे कराएंगे हाउस में नाइट बराउने साइट पाउजिलो साइट हाउसे मिनी मिनाइट, सही है। हाँ अब देखिए कुछ बातों को देखते हैं भाई, कुछ बातों को देखिए बात को स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट के एम एन ओ फोर, के एम एन ओ फोर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब मैं क्या करता हूँ कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पाइरोलुसाइट एम एन ओ टू को का एल्केलाइन हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ एयर के साथ इनका जो है कि ऑक्सीडेशन कराया जाता है। एम एन ओ टू फोर के ओ एच या के ओ एच की जगह क्या हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन ओ टू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जाता है, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनके प्रेजेंस में कराया जाता है। तो एम एन ओ टू से क्या बन जाता है भाई के टू एम एन ओ फोर, क्या बन जाता है भाई के टू एम एन ओ फोर, इसे क्या बोला जाता है मैंगनेट बोला जाता है डार्क ग्रीन कलर का टू ए टू। अब क्या होता है कि इस डार्क मैंगनेट एम एन ओ फोर का डिसप्रोपोनेशन होता है, क्या होता है भाई डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन होती है, ये न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकता है या क्या हो सकता है एसिडिक मीडियम में। डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन क्या होता है एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होना और एक ही स्पीसीज का रिडक्शन होना। जैसे यहाँ पे मैंगनीज क्या है भाई यहाँ पे क्या है प्लस सिक्स में है और यहाँ पे जा रहा है तो किस में हो रहा है भाई प्लस सेवन में, प्लस सिक्स से प्लस सेवन में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एक स्पीसीज का, यहाँ पे प्लस सिक्स से किस में जा रहा है प्लस फोर में तो क्या हो रहा है रिडक्शन, तो डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन हो रही है। और देखिए कॉमर्शली इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ द एम एन ओ टू को जो है कि एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम मतलब कि के ओ एच या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एयर या के एन ओ थ्री के प्रेजेंस में इसे क्या किया जाता है फ्यूज कराया जाता है। तो ये क्या मिलता है भाई मैंगनेट मिलता है और इस मैंगनेट का हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है प्लस सिक्स से किस में चल जाता है प्लस सेवन में चला जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिएगा हाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए कह रहा है कि पाइरोलुसाइट यूज्ड टू द प्रिपेयर द पोटेशियम परमैंगनेट
प्रिपेयर टू द पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए, पर मैग्नेट बनाने के लिए क्या क्या हुआ? सही है, पोटेशियम पर मैग्नेट इसकी बात कर रहा है, इसको बनाने के लिए क्या क्या हुआ, देखिए बात को देखिएगा। हाँ, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट इसकी बात कर रहा है। अब देखिए दिया है, रिएक्शन दिया है MnO2 और यहाँ पे क्या दे दिया है, इस सारे को क्या दे दिया भाई, यक्ष दे दिया है, और इसको क्या दे दिया है, वाई दे दिया है। पूछ रहा है कि यक्ष वाई क्या होंगे। ऑप्शन पहला है भाई कि यक्ष एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली, पहला है फ्यूज विथ KOH, फ्यूज विथ KOH एयर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन दे दिया भाई, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बी ऑप्शन फ्यूज विथ KOH एंड इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन बी इज द करेक्ट आंसर। और तीसरा है फ्यूज विथ द HNO3 एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, गलत है भाई, ऑल आर द करेक्ट, ये भी गया सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्यूज विथ द KOH विथ एयर और इलेक्ट्रोलाइटिक, वाई क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, सही है, ये बात थी। हाँ, अब एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं थोड़ा से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांसफर। पहला देखिए ए MnO4- का 1, बी को देखिएगा CrO4- का 2, सी को देखिएगा Cu2O और डी है आल, सभी आल, आल ऑफ दिस, आल ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर के कारण जो है कौन कलर शो करेगा, ऐसे स्पीसीज जिनके बैलेंस सेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो उसके बाद कलर के लिए रिस्पांसिबल होगा। तो वो स्पीसीज जो क्या करें, हायर चार्ज रखें अपने बैलेंस सेल में, डी जीरो सिस्टम, देखिए ये क्या है भाई, प्लस का 7 है, x इक्वल टू प्लस का 7 है, डी जीरो सिस्टम, ये कलर शो करता है किसके कारण भाई, चार्ज ट्रांसफर बता चुका हूँ, ये भी शो करेगा। ये क्या है, प्लस 6, डी जीरो सिस्टम कलर शो करेगा। ये कॉपर है, कॉपर क्या है, प्लस 2, कॉपर प्लस 2, एक सेकंड, ये है हाँ कॉपर 2O और ऑल ऑफ दिस। देखिए अब देखिए दो ऑप्शन जब सही हो गए, ऑल ऑफ दिस दिया है तो सी होगा, जिसको नहीं पता उसको बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है भाई, 2x -2 = 0, 2x इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू प्लस का 1, D10 सिस्टम है, ये कलर शो कर रहा है तो किस कारण से शो करेगा भाई, चार्ज ट्रांसफर के कारण शो करेगा, सही है। हाँ, अब आगे वाली बात को देखते हैं। एक नोट डाल के देख लीजिएगा यहीं पे, के एम एन ओ फोर, के एम एन ओ फोर टू के एम एन ओ फोर को जब मैं हीट करता हूँ तो क्या होता भाई, यहाँ पे क्या होता भाई, के एम एन ओ ओ के टू एम एन ओ फोर प्लस एम एन ओ टू प्लस ओ टू। देखिए क्या सभी बराबर है भाई, यहाँ पे पोटेशियम कितना 2, उधर भी 2, मैंगनीज कितना 2, ऑक्सीजन कितना 8,
यहाँ पे देखिए 4228 सही है। जब मैं क्या करता हूँ कि पर मैगनेट को जो हीट देता हूँ तो ये मैग्नेट में जाता है या मैन O2 और O2। एक बार एग्जाम में क्या दिया था क्वेश्चन में आर डिकम्पोजिशन अनडीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है, अनडीकम्पोजिशन ऑफ के एम एन ओ फोर विच इज नॉट ऑब्टेन, विच इज नॉट नॉट ऑब्टेन। ये ऑप्शन देखिएगा एम एन ओ फोर माइनस का 2, बी एम एन ओ टू सी ओ टू, डी डी एम एन ओ मैंगनीज ऑक्साइड। देखिए भाई ये तो मिला एम एन ओ फोर माइनस का 2 मिला, एम एन ओ टू ये भी मिला, ओ टू ये भी मिला, ये क्या हुआ नहीं मिला, कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सही है भाई, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं फिर उसके बाद बात को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच शो द प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ये प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा भाई, एक्स माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस का 7, ये तो गया, इसको देखेंगे एक्स माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 3, एक्स इक्वल टू बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये भी गया। अब इसको देखेंगे एक्स माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा प्लस का 6, कितना हो जाएगा प्लस का 3, ये भी गया। एक्स माइनस का 2 और एक ऑक्सीजन कितना होगा माइनस का 4, दो पे कितना होगा, एक पे माइनस का 2 दो पे कितना होगा माइनस का 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस का 6, ये हो गया भाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये साइनाइड है, कितने लोग सीखेंगे कि ये माइनस 6 क्यों होता है, ये कोऑर्डिनेशन में आएगा भाई, जितनी बैलेंसिंग इनकम्प्लीट होती है उतना निगेटिव चार्ज चढ़ा देते हैं। सही है, अब इस वाली बात को देखेंगे, इस वाली बात को देखेंगे, इस वाली बात को देखेंगे, विच एक्सपेक्टेड टू द कलर, कौन कलर के लिए, कौन सा कंपाउंड कलर के लिए एक्सपेक्टेड होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2x इक्वल टू ये सल्फेट है कितना देगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 2, x इक्वल टू प्लस का 1, देखिए भाई सिल्वर प्लस का 1 D10 सिस्टम क्या कलर देगा, नहीं, कॉपर F2 x माइनस 2 x इक्वल टू प्लस का 2, कॉपर प्लस 2 D9 सिस्टम भाई कलर के लिए रिस्पांसिबल होगा, D9 सिस्टम अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैग्नीशियम प्लस का 2 है, F2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक कलर के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगा, कॉपर Cl x माइनस 1 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 1, कॉपर प्लस का 1 D10 सिस्टम कलर के लिए रिस्पांसिबल होगा, नहीं होगा। अब देखिए कॉलम इस साइड के चीज को उस साइड के चीज से मैच कराना है, और इसमें जो है कि एक ऑप्शन 2-3 प्रॉपर्टीज रखेगा, इधर प्रॉपर्टीज है और इधर कंपाउंड है, KMnO4 है, बोलिए भाई KMnO4 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाँ, तो ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया भाई, ए बी और मैं इधर सी लिखता हूँ, ए का क्या हो गया, देखिए इधर लिखता हूँ ए बी सी, ए का क्या हो गया भाई, ए का क्या हो गया, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको मैंने बताया था कि जो KMnO4 होता है K2Cr2 7 होता है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा P, और देखिए क्या KMnO4 के आल XM जहाँ पे X क्या सेंट्रल एटम बॉन्ड है सभी बराबर है, सही है भाई, सारे के सारे बॉन्ड क्या बराबर है, क्यू भी हो गया, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन D3 है, हाँ मैंने आपको बताया था मैंगनेट और पर मैग्नेट D3S हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें बॉन्डिंग क्या होगी P πD π बैक बॉन्डिंग, सही है भाई, R भी हो गया।
अब देखिए इसको देखते हैं K2Cr2O7, क्या इसमें जो है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा? सही है भाई, P करेक्ट। इसके लिए क्या K2Cr2O7 के सभी बांड बराबर होंगे? नहीं, ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग वाला बांड बराबर नहीं होगा, तो क्यों तो नहीं होगा इसके लिए। अब देखिए क्या इसमें D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाँ होगा भाई, D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा। सही है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट D3S कोऑर्डिनेशन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए C को देखते हैं, सोडियम सल्फेट क्या एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा। आल XO बॉन्ड इक्वल, क्या इसमें सभी के सभी बॉन्ड इक्वल होंगे? हाँ, एक सेकेंड भाई, नहीं भाई, ये देखिए सी में क्या ये ऑक्सीडाइजर सोडियम सल्फेट क्या ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा? नहीं। सही है, क्या इसमें D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा? नहीं भाई, जब मेन ग्रुप का कंपाउंड हो जाता है तो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन, अगर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में है तो sp3 बोलते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन में क्या बोला जाता है? ये D3S कुछ भी हो सकता है भाई, वो तो BBT बताएगी। अब देखिए इसमें क्या आल XO बॉन्ड इक्वल, हाँ सही है भाई, सी का क्यू, सही है, इतनी बात। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में जरूर जो है शेयर करिएगा और जो है कमेंट में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सही है भाई, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अब एक डी ब्लॉक का एक लेक्चर और बचा है, उसको भी आप लोग जो है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। सही है, थैंक यू।